तो कैसे आप लोग लोग तब तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे नए वी लॉग में। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्ते। तो गाइस, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे और ठीक ही होना चाहिए। तो गाइस, अभी शाम के बजे 4, अभी हम व्लॉग शूट करेंगे। हमने सोचे कि अभी व्लॉग शूट करेंगे क्योंकि भाई को हेयर कट करना था, तो हम सोचे कि यही से व्लॉग शूट करेंगे। और अभी हम बनाएंगे गणपति का पार्ट 2 शूट करेंगे। खोपोली की गणपति आपको तो दिखाया हम लोग ने, भैयांडी तो खोपोली के आप लोग को दिखाई दिया, तो अभी खोपोली का गणपति भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अभी थोड़ा भाई कैसा जानवर दिख रहा है, लगता है कि आपको नहीं ना, तो अभी आप अभी इसको इंसान बनाने हम लेके जाएंगे। चलो, तो इंसान बना के हम दिखाएंगे। तो गाइस, ब्लॉग की कंटिन्यू करते हैं। गाइस, बाल काट के हो चुका है अभी। तो गाइस, बिल्डिंग में पहुंच गए। बारिश बहुत जोर से चालू है, अच्छा हुआ कार लेके गए थे। A few moments later. अभी हम निकल चुके हैं खोपोली की गणपति शूट करने के लिए। तो गाइस, आपको बता दें खोपोली की गणपति आज, और सब तरफ हम जाएंगे और शूट करेंगे। Thank you.
ಪ್ರಿಯದೂ ಮಂಗಲದಾತ ಭಕ್ತ ಜೀವ ಮನ ಪುರಹಿತ ಮಹಾದ್ವಾರೆಯ ನಗರಿ ಸಾತು ಮಹಾದ್ವಾರೆಯ ನಗರಿ ಸಾತು ದೈವತ ಮುಸಾ ವಿನಾಯಕ ದೈವತ ಮುಸಾ ವಿನಾಯಕ ಹೇ ಗಜಾನನ ಹೇ ಗಜಾನನ जैसा कि आपने सारे क्लिप देखे रहेंगे और हमने वो शूट किया है रात में क्योंकि हम शूट करने वाले थे दोपहर में और वो अच्छे से शूट नहीं हो रहा था। डे टाइम में हम आपको लाइटिंग, उन्होंने किया वो डेकोरेशन और उनके पीछे लगी जितनी मेहनत वो नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हमने वो शूट रात में किया। और जैसा कि आपने वो क्लिप देखा है, आप बता देना आपको कौन सा गणपति अच्छा लगा और आपको कौन सा डेकोरेशन अच्छा लगा। तो ये था पार्ट टू जो कि हम लोग ने खोपोली के गणपति आपको दिखा है। पार्ट वन में तो आपने तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।